मेरा नाम शमी मोदी है। मैं श्रमिक आदिवासी संगठन और समाजवादी जन परिषद की कार्यकर्ता हूँ और मध्य प्रदेश के बैतूल, हरदा और खंडवा जिलों में पिछले 18-19 साल से काम करती हूँ। उनके अधिकारों के लिए उनके साथ लड़ती हूँ। और आज जो मैं बात कह रही हूँ, ये बात इस समय कहने का पहला मतलब तो यही है उद्देश्य कि आज सोनी सोरी के बारे में जो चर्चा चारों तरफ चल रही है, लोग इस मुद्दे पर लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठकर इस मुद्दे को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि सरकार द्वारा कई सारे फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस में मुझे भी जेल में ये लोग जेल में बंद किया था और हरदा जेल से फिर होशंगाबाद जेल ले गए थे क्योंकि शायद उनको ये लगा था कि हरदा, क्योंकि जिस जगह पे मुझे पहचानते थे लोग, तो वहाँ पर वो लोग उस तरह से परेशान न कर पाए जिस तरह से उनका इरादा था। और होशंगाबाद जेल में जो हुआ, मैं मानती हूँ कि सोनी सोरी जी और उनके उनके सामने तो वो कुछ नहीं था क्योंकि, मगर फिर भी आज उनके साथ मैं एम्पेथाइज इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि हर मिनट अगर सामने वाला जेल के अंदर जो लोग हैं वो अगर ठान ले तो हर सेकेंड हर मिनट आपको वो प्रताड़ित कर सकते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, दे ह्यूमिलेट यू ऑल द टाइम। और जरूरी नहीं है कि आपको उल्टा टांगे या कुछ करे, उनके तरीके ऐसे होते हैं, बैठने नहीं दिया जाता, स्ट्रिप सर्च की जाती है। क्यों करी जाती है स्ट्रिप सर्च? क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास पेन है, मतलब पेन भी उनके लिए एक ऐसा एक हथियार है कि उसके नाम पर सर्च करेंगे और सर्च के नाम पे वो लोग कुछ नहीं करते। अंदर जो इनमेट्स होते हैं, जो कन्विक्ट्स होते हैं और बाकी लोग होते हैं, उनको खुली छूट देते थे कि इनको ठीक कर दो। और वो ठीक करने का तरीका जो हमने देखा, वो उससे मैं समझ सकती हूँ कि सोनी सोरी के साथ वो क्या कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सर्च किया जाता है, आपको बैठने नहीं दिया जाता है, फिर सडनली उनको लगेगा कि कोई नया तरीका, दे वेरी क्रिएटिव अबाउट इट, आपको ह्यूमिलेट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, तो कहेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको बाहर ले जाएंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको और करना है तो मुझे ये, हमारा ये मानना था, मैंने बोला भी उस समय जेलर को कि आप यूरिन टेस्ट कर लीजिए, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इंक्लूसिव मेथड्स के साथ आपको टेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो बोले नहीं नहीं ये तो नियम है, आप लोग तैयार हो जाओ। हम लोग 7-8 जनों को ले गए वो प्रेगनेंसी टेस्ट में, और जेलर का बाद में ये बोलना था कि एक बार आप जेल के प्रमाइसेस से बाहर चले गए फिर वो आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, फिर बाहर आपके साथ कोई भी जो भी कुछ भी करे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है तो हर मिनट जब आप वहां पर हो आप उनकी जिम्मेदारी हो, तो जो उनको ऐसे काम करने हैं जिसमें उनको लगता है कल फंस सकते हैं, वो जेल की चार दीवारी के बाहर ले जाते और इस टेस्ट के नाम पर वो लोग 8 महिलाओं को ले गए, बाहर बिठाएंगे पब्लिक के सामने और खुले में, क्योंकि लोग जानते थे इस मुद्दे का चर्चा हो रही थी पेपर में भी, खुले में जो नई उनका एक कमरा बना था और उसमें बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज थे जिसमें कोई पर्दे नहीं थे और लोग ये जानते हुए आपका पीछा कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि पेपरों में छप रहा था कि गिरफ्तारी हुई है, आंदोलन हो रहे हैं। और उस समय हम सभी लोगों को उस खुली खिड़की में ओपीडी के सब पेशेंट खड़े हुए उनके सामने गायनेक एग्जामिनिंग किया गया, विरोध किया हमने वहां पर, तो गार्ड्स को बुला के बोलते हैं कि इनको स्ट्रिप कर दो, कर देते वो लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप जेल में रहते हैं तो जेल में रहने वाले लोगों के अधिकार होते हैं, ये आम जनता भी नहीं मानती है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड दे फील कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यू डिजर्व इट क्योंकि आप जेल में हो। और ये जो एक मेंटालिटी है ये बहुत मुश्किल कर देता है जेल में लोगों के अधिकारों के लिए लोगों को संगठित करना और आम जनता को मोबिलाइज करना। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है जेल के अंदर जो महिलाएं होती है, हम लोग तो आंदोलन करते हैं, हम हर तरह की चीजों के लिए तैयार होते, एक दो दिन थोड़ा आपको ये प्रताड़ना जो होती उससे आपको थोड़ा खुद को ऑटो काउंसलिंग करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि कभी बोलेंगे कि मिलने नहीं देंगे लोगों को, कभी बोलेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएंगे, कभी अंदर परेशान करेंगे, कभी बाहर ले आएंगे, जो पेपर में छपेगा वो आपको अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये क्यों छपा, आप तो अंदर हो, हम तो कहते थे हम तो अंदर है, हमें नहीं मालूम किसने छापा, मगर आप बताइए ये कैसे छप गया कि जेल के अंदर शमीम मोदी को प्रताड़ित किया जा रहा, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आपको हमेशा ये भी लगता है कि आपके लोग बाहर कुछ करेंगे, अंदर आपको जवाब देना है। तो ये जो पूरा मामला है इसमें हमने एक बात देखा, जो अंदर महिलाएं हैं, बाकी कोई चेन स्नैचिंग में आती है, कोई
आदिवासी महिलाएं हैं जो जंगल की जमीन पर टपरी बना रही थी, उसको पकड़ के ले आए और बिना किसी वजह से बेलेबर और कंपाउंडेबल ऑफेंस में उनकी तीन तीन चार चार कस्टडी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जाती है, एक्सटेंड की जाती है। ऐसी महिलाएं भी अंदर रहकर ये लोग आवाज नहीं उठा सकते, अब बाहर निकल के वो आवाज उठाना नहीं चाहते। कौन महिला है जो जेल में रहने के बाद, प्रताड़ना सहने के बाद बाहर आकर फिर से इस मुद्दे पे लड़े? हमारे जैसे लोग लड़ेंगे क्योंकि हम लड़ने के लिए ही, हमको लग रहा है हमारा ये मकसद है, मगर इट इज वेरी डिफिकल्ट। अंदर लोगों को आप मना भी लो लड़ने के लिए तो उनको मालूम है कि आप एक बार चले गए तो हमको ही दिक्कत हो रही थी, तो अंदर की महिलाएं नहीं लड़ सकती। बाहर लोगों को आप मोबिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि बाहर के लोग देख नहीं सकते। आप देखो, पुलिस खुले आम लोगों की नजर में खुले आम प्रताड़ना करती सड़कों पर, तो आप सोचो बंद दीवारी में, चार दीवारी के अंदर, पांच तालों के बीच में वो लोगों के साथ क्या करती होगी, जब उसको इतने लोगों की निगरानी के बावजूद और लोगों के इतने क्रिटिसिज्म के बावजूद यू कैनॉट डिटर देम फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। इन ह्यूमन जो उनके एक्टिविटीज होते हैं, तो वो अंदर चार दीवारी में तो आप कल्पना कर लो क्या करते होंगे वो। तो ये जो पूरी ये मामले हैं, इसके सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अंदर रहकर आप हमने बोला भी कि लोग बयान दे इस मामले में, जो ओपन में हमारी गायनक एग्जामिनी बयान दिए भी उन्होंने, और हमने ये भी उनको सुझाव दिया था कि 15 दिन बाद जब उनकी पेशी होगी तो जज कोर्ट के में जज के सामने ये बात रखे, तभी ये रिकॉर्ड पे आएगा। मगर वो बोल रहे थे कि जैसे ही उनको ले गए पेशी के लिए, गार्ड ने उनको धमका दिया कि ये तो चली जाएंगी कल, आपको रहना तो हमारे साथ है। वो सही बात बोला उन्होंने, उनको रहना उसके साथ है, वो क्या कर सकते है? अगर मेंटली डिस्टर्ब महिला है जेल के अंदर और वो गिल्ट से परेशान हो रही है, जो हो गया कांड वो हो गया, मगर शी इज फीलिंग गिल्टी अबाउट इट और वो अपने परेशान रहती है, तो आधी रात को ये महिलाएं उठ के उस 55 साल की महिला को पूरा नंगा करके खड़ा कर देती है। इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी टू सी दिस ऑल्सो। हमने जेलर को बोला कि ये शी इज मेंटली डिस्टर्ब, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई नो शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स मेडिकल हेल्प, तो बोलते मैडम दो झापड़े मार दो ठीक हो जाएंगे। यही तरीका है महिला को, अगर आपको द फर्स्ट स्टेप दिस, महिला को पनिशमेंट का सबसे बड़ा स्टेप होता है आपको स्ट्रिप किया जाता है, और इसलिए महिलाएं वहां पर चुप रहती है। अंदर कोई चीज नहीं है मानव अधिकार के नाम की, और कुछ भी हो सकता है। मैं कह रही हूं लोग, कई लोग मानते हैं कि सोनी सोरी के बारे में जो बोल रहे एग्जैजरेट कर रहे, मुझे लग रहा है एग्जैजरेट नहीं कर रहे, अंडर वो हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रहा है, इससे कई ज्यादा हो रहा होगा उनके साथ, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो बता नहीं पाएंगी, मगर जो होती है आई नो वॉट वुड बी हैपनिंग और क्या उनके साथ करते होंगे वो लोग। क्योंकि जो बाद में मुझे महिलाओं ने बोला कि जैसे ही आप अंदर आई थी हमको बाहर से निर्देश मिल गया था कि इनको ठीक कर दो, तो मेन जो उनका काम होता है ऐसे ठीक करने वाले लोगों के साथ तो खुली छूट होती है, अंदर लोगों के सारे एग्रेशन सारे इमोशन इसके ऊपर निकाले जाते हैं आपके। आपको अंदर एक ही तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप एक्टिविस्ट हैं और लड़ना चाहते हैं, अपने शरीर को से आपकी जितनी भी इमोशन है उसको दूर कर लो, आपके जो भी सोशलाइजेशन से होता है कि वो दूर करोगे तो आप सर्वाइव करोगे, नहीं तो सर्वाइव करने का तरीका नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक पब्लिक अवेयरनेस जो हो लोगों का कि जेल में रहने वाले लोगों के भी अधिकार है, ये अगर होगा तभी आप मोबिलाइज कर पाओगे। वो जनरल एटीट्यूड है ही नहीं लोगों का जेल में, जो मतलब एक अलग अलग ही दुनिया है वहां की, जो जब आंदोलन में 50-100 लोग एक साथ जाते हैं, वैसे कई बार गए हम लोग जेल, मगर वो अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि उस समय आपको दो एक दिन रखते हैं, सारे समूह में रखते हैं, एक बड़े से हॉल में रखते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि इस जेल में असलियत में क्या होता है, और वो बहुत अच्छे से छुपा के रखते हैं। हम भी जब जेल में थे और मानो कोई जाँच के लिए आ रहा है या कोई किसी का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो हर ऐसी चीज छुपा दी जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो अब हमको समझ आता है कि ये जो जितने भी इंस्पेक्शन होते हैं, वो इंस्पेक्शन करने वालों को अगर ये नहीं मालूम है कि कहाँ जाके देखना है, तो कभी कोई भी चीज आप पकड़ नहीं पाओगे जेल के अंदर जो होता है। जैसे रोटियां होती है, रोटियों को सुखा कर उसका चूल्हा बनता है, फिर उसके अंदर थाली वाली को थोड़ा ठोक पीट के उसमें हर तरह का भोजन खाना बना लो आप अंदर। जेलर को ये सब मालूम होता है कि ये रोटियां जलती है अंदर और उसी का ईंधन बनाकर उसका खाना बनता है, मगर ये सब चीजें मान के चलते कि ये तो होगा ही होगा। या कोई जो मैंने पहले भी कहा कि जो मानसिक प्रताड़ित या कोई ऐसी महिला है जो आपको लग रहा है कि इमोशनली आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है या कुछ भी, तो स्ट्रिप कर दो उसको तुरंत ही।
या आपको जैसे प्रताड़ित करना है तो करते तो रहते प्रताड़ित, मगर डराने के लिए आपको बोलेंगे देखो वो कमरा है वहां पर ले जाएंगे, वो कमरा गंदा है, उसमें कीड़े मकोड़े हैं सब कुछ है, बोलेंगे यहाँ नंगा करके गुड़ का पानी डालकर यहाँ रात को छोड़ देते। तो व्यक्ति सोचता है कि आप डरा ही रहे हो, अरे तो क्यों ऐसे बताने की क्या जरूरत है अकेले से ले जाकर। और ये जो पूरा अनुभव होता है ये बिल्डअप करता जाता है, ये जो जो स्ट्रेस लेवल है वो शांत नहीं हो पाता है। और पूरी परिस्थिति ऐसे होती है कि आपको ये भी नहीं बताया जाता कि आपको कौन सी धारा में रखा गया, हमेशा बताते रहेंगे आप पे तो राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा और बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई मिल नहीं पाएगा। तो पॉलिटिकली आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके और साथियों के साथ क्या हो रहा है बाहर परिवार में। मान लो जैसे मेरा बेटा था उसको जॉन्डिस था, तो आप चाहते हो कि आपको खबर ही मिल जाए, ऐसा तो है नहीं कि आपको बात नहीं कराना है अंडर ट्रायल्स को, मगर आपको बोलते हैं कि वो राजनीतिक लोगों के इशारे पे कि वो हमको ऊपर से निर्देश है कि आपको किसी से बात नहीं किया जाए, यहाँ तक कि उनके पर्सनल फोन भी उनका कहना था जेलर का कि टैप है, अगर आपके हमारे फोन से भी हम बात करवाएंगे आपके बीमार बेटे से तो पता चल जाएगा मंत्री जी को, तो फिर नाराज हो जाएंगे। और इतनी हिम्मत है कि 9 फरवरी 2009 को मेरी गिरफ्तारी हुई और मेरी जमानत खारिज की गई। कौन से केस में? डकैती, लूट, अपहरण, अपहरण जान से मारने की इंटेंशन से और किडनैपिंग, ये सारे मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई। हमें लगा कि इसमें तो जमानत मिल ही जाएगी, सवाल ही नहीं उठता, ये दीज आर ऑल फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब किसी को सोचने की भी जरूरत नहीं कि मैं कहाँ 3 डकैतियां करूंगी, मगर लोकल कोर्ट को मैनेज कर दिया उन्होंने और मेरी जमानत खारिज हो गई। तब भी मुझे विश्वास नहीं आया कि दे हैड द मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ हरासिंग मी इन जेल टिल दे शिफ्टेड मी ओवरनाइट। जेल में चूहे काटते हैं, कुतरते हैं आपके पैर, सवेरे उठ के अगर आप पैर जमीन पे आपको खून के धब्बे दिखते हैं तो सब लोग अपनी एड़ियां चेक करते हैं कि आज किसको कुतर गया चूहा। और खाना खा रहे हैं आप, लाइट चली आती है वहां तो हरदा और होशंगाबाद जिले में 12-16 घंटे कटौती होती है, तो अंधेरे में आप खाना खाते हो तो आपकी थाली से चूहा भी खाना खाता है, वो आपके थाली से आकर रोटी छीन के बढ़िया से ले जाता है और आप देखते रहो कि क्या करोगे। बड़े बड़े चूहे, एक कमरा जिसमें 5-7 जनों की कैपेसिटी होती है वहां ढेर लोगों को, जैसे होशंगाबाद में 15 की कैपेसिटी में हम 35 महिलाएं रह रहे थे, और हरदा जिले में तो चूहों की ऐसी भरपार है कि आप ओढ़ के सो जाओ और ऊपर कूदते रहते हैं चूहे, कभी बाल में फंसती उनकी टांगे, आप कुछ नहीं कर पाते हो। हमने बोला जेलर को कि भाई ये चूहों का कुछ करो, तो बोलते ये जेल है मैडम, 5-star होटल थोड़ी। तो हमने कहा जेल मैनुअल दिखाइए, मैनुअल अगर कहता है कि भाई इनमेट्स को आप चूहों से कुतरवाएं तो फिर हम मान लेंगे, मगर हमने कहा हमको मच्छरदानी दे दो, कम से कम वो मच्छरों से नहीं मगर चूहे से बच जाए। हमको चूहों से बहुत डर लगता था, मतलब अब नहीं लगता, अब तो हम डिसेंसिटाइज हो गए इतने 23 दिन जो जेल में रहे उसमें। तो बोलते नहीं मच्छरदानी भी अलाउड नहीं है आपको मिलना, राजनीतिक लोगों को पता चलेगा तो मैडम हमारी नौकरी चली जाएगी, तो मच्छरदानी भी नहीं देंगे, आप जगते रहो रात रात भर। और आधी रात को आकर 2 गाड़ी पुलिस की भरकर बंदूकधारी पुलिस को लेकर वो मुझे कहीं ले जाने लगे। हमको हम पूछ रहे भाई कितना बजा है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, आप चुपचाप चलिए। मुझे तो लगा इनकाउंटर ही करेंगे, है ना, तो क्योंकि जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा था तो मैंने फटाफट कहीं से, मैं छुपा के पेन तो रखती हूँ, एक कागज में कहीं लिख दिया कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, और मैंने कहा रास्ते में कहीं फेंक दूंगी किसी के हाथ तो लग जाएगा कहीं, तो ले गए। फिर मुझे पता चला कि रातों रात चुपके से मुझे ले गए होशंगाबाद जेल में। होशंगाबाद जेल में लोगों को बोल दिया इनको ठीक कर दो, तो लोग तलाशी के नाम पे धज्जियां उड़ा दी आपकी, फिर ये डराते रहते हैं। क्या करते हैं तलाशी के वक्त? तलाशी के वक्त जैसे वो अंदर गए आप बोलेंगे, वो बाहर तलाशी तो लेते ही है, फिर अंदर जाके बोलेंगे तलाशी तो हमने कहा बाहर दे दी, बोलते नहीं हम फिर लेंगे। तो हमने कहा ले लो, हमको लगा एक जना आएगा लेगा, मगर वो जितने भी इनमेट्स होते हैं 30-32 उसमें बेचारे कुछ तो डरे हुए होते हैं, मगर 8-10-15 लोग 20 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खूंखार होते हैं, शायद उनका जो पूरा एग्रेशन सिस्टम के खिलाफ होता है वो आप पर ही निकलता है जो नया। तो उन्होंने बोला तलाशी लेना, एक जने ने हमारा बैग छीन लिया, वो बैग में से जितनी भी आपकी पर्सनल चीजें हैं, सैनिटरी टॉवल्स होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, अंडर क्लोथ होते हैं, सब ऐसे मिट्टी में फेंक दे जाते कि तलाशी ले रहे, और 2-4 महिलाएं फिर आपके कपड़ों पे टूट पड़ती, कोई आपकी सलवार खोल रहा है, कोई आपके अंडर क्लोथ में हाथ डाल रहा है, कोई आपका कुर्ता उठा रहा है, मतलब दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर। मैंने कहा इस तरह से लेते हैं क्या तलाशी, आप ठीक से लीजिए, बोलते आपको बताते हैं कैसे तलाशी लेते हैं। वो उनके एक CO बोलते हैं, कन्विक्ट ऑफिसर होता है अंदर, जिस उसको बोले जा रहे जरा डंडा लाना और उसको नंगा करो,
बताओ इसको कि जेल में कैसे तलाशी लेते, फिर आपको लगता है कि चुप रहना ही ठीक है स्ट्रेटेजिकली, आप कब तक लड़ोगी? और अंदर के लोग अगर आपके साथ आ जाए तो कुछ उम्मीद रहती है। यहाँ तो जिनसे मैं उनको चिल्ला के बोलती रही, भाई आप जैसे लोगों के लिए तो मैंने जिंदगी दी है, मैं उनके लिए लड़ रही हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसे व्यवहार मत करो, मगर उस समय तो एक अजीब सा एक वो होता है, नशा धुनकी होती है उनकी, वो किसी की नहीं सुनते। शायद उसमें मुझे ये भी समझ आया कि शायद उसमें एक चीज ये होती है कि जब आप अंडर ट्रायल आता है और वापस जाते हैं जब, तो ये लोग सामान रखवा लेते हैं, तो ये एक एक तो परेशान आपको करना होता है क्योंकि बाहर से छूट मिल गई, एक वो जानना चाहते हैं आपके पास क्या क्या सामान है जो आपके जाते समय आपसे रखवा सकते हैं, और एक उनको लगता है जैसे आप जैसे लोग आते हैं कि शायद पैसा हो तो पैसा वो रखना चाहते हैं। कई चीजें होती है इसमें, कुछ लोग अपनी अपनी अथॉरिटी बताने के लिए ये चीजें करते हैं। तो तीसरे दिन आपकी तबीयत खराब हुई, फिर आप बाहर गए, पहले तो दो तीन दिन तो टेंशन काफी बिल्ड होता गया, मतलब लोग कहते हैं कि एक्टिविस्ट होते हैं मगर आप हर तरह की चीज के लिए तैयार होते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं, मगर इस तरह का ह्यूमिलिएशन हर रोज हर मिनट आपको लगे कि पता नहीं कब कोई आके, आप बैठो तो बोलेंगे चुटकी बजा के बोलेंगे चल रहे उठ बैठी गाय को, और बिल्कुल ही बहुत ही रूड और बहुत ही ऑब्सीन लैंग्वेज में बोलते हैं वो, हर पल आपको अंदर अंदर बहुत बहुत, और वो होता है कि आप एकदम से अरेस्ट होते हैं जब भाई आप बेडरूम में बैठे हुए हैं और पुलिस घुस के अरेस्ट करती है, बदतमीजी से अरेस्ट करती है, और बताती नहीं है कौन सी धारा में, बच्चे के बारे में जानकारी नहीं देती, आपके जो कॉलीग और हस्बैंड ने उसको भी गिरफ्तार करा नहीं करा ये भी मन में डर रहता है कि पता नहीं उनके साथ क्या कर रहे होंगे अगर गिरफ्तार किया, ये सब डर से मेरा वैसे ही आई एम हाइपरटेंसिव फॉर लास्ट ऑलमोस्ट नाउ 20 इयर्स, तो थोड़ा मुझे चेस्ट पेन हुआ, तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी क्योंकि कुछ खबर नहीं मिल रही थी और अंदर लोग डराते रहते हैं कुछ कुछ करते रहते हैं पूरा पल। तो मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है, आई थिंक आई नीड टू सी अ डॉक्टर, तो आके आपको सॉर्बिट्रेट की गोली दे दी कि मुँह में रख लो ठीक हो जाएगा, फिर शाम को आएगा डॉक्टर तब देखेंगे। तो मुझे लगा कि मतलब वहाँ मैंने उस दिन कहा कि मैंने कहा मैं जितने भी दिन रहूँ जितने भी साल अंदर रहूँ मैं बीमार ना पड़ूँ अंदर, क्योंकि एक बार जब रात को आपको बंद कर देते हैं लॉकअप में, वो 15 लोगों की जगह में 35 लोग जब होते हैं उसमें मोर देन 60% ऑफ द वीमेन हैव गायनेक प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्या होता है पीरियड्स के समय उनको कोई कपड़ा कोई सैनिटरी ट्राउजर नहीं दिए जाते, तो जो उनको कंबल सड़े हुए कंबल पड़े रहते सड़ी हुई चीजें होती है वही यूज करती है, और एवरीबॉडी हैज एट वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम। कुछ महिलाएं जो आदिवासी जो गांव की होती है वो जो नववारी साड़ी पहनती है वो उसी साड़ी को पैड की तरह इस्तेमाल करती है, फिर एक हिस्सा धोती है सुखाती है फिर दूसरे हिस्से को पैड की तरह इस्तेमाल करती है, तो वॉट एवर दे आर वेयरिंग ऑन देयर ऑन देमसेल्व्स उसी को दे यूज एज अ सैनिटरी टॉवल, और कुछ कोई व्यवस्था नहीं होती, तो उसमें बैक में पीपल हु आर स्लीपिंग वेरी क्लोज टू यू, पर्सनल स्पेस का तो ये सवाल ही नहीं उठता, ये तो बहुत इज अ रियल लग्जरी और ये प्रिविलेज तो किसी को नहीं मिलता। वहाँ एक टॉयलेट होता है जो खुला होता है वहाँ पे, उसी में आपको यूज करना है, और जो नए लोग आते हैं उनको टॉयलेट के पास जगह मिलती है, जो सीनियर होते हैं वो थोड़ा दरवाजे की तरफ चले आते हैं, तो उसमें आप पैक्ड होते हैं, लोग बीमार होते हैं, किसी को डायरिया होता है, किसी को डिस्चार्ज होता है, देयर इज नोबडी टू लिसन टू यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी इन दैट, आप इंसान हो ही नहीं। शायद मेरे ख्याल से बहुत समय रहने के बाद वहाँ के लोग यही मानते होंगे कि हम तो इंसान नहीं है, हम कुछ भी कर सकते क्योंकि हमारे साथ भी कुछ भी होता है। तो हार्ट जो मुझे जो पेन हुआ उसमें फिर शाम को एक डॉक्टर आई, मैंने फिर डॉक्टर को बोला कि ऐसा है, बोलते नहीं आपका बीपी थोड़ा हाई था अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरी बीपी की गोलियाँ नहीं दे रहे, मैं आई वॉज ऑन मेडिकेशन, मैंने बोला मुझे मेरी गोलियाँ चाहिए, फिर बाद में जब 15वें दिन मुझे कोर्ट में पेश किया तब मैंने उनको कहा कि प्लीज इंस्ट्रक्ट देम कि मुझे पेन दे, मुझे पढ़ने के लिए मटेरियल अलाउ करे और मेरी दवाइयाँ मुझे दे, कोई फल लाके देता मानो आपके, जो लोगों को मालूम है कि मैं ज्यादा नेचुरोपैथी करती थी, तो पपीता दिया तो पपीतों का पूरा हाथ से गोदा बना के थैले में आपको देंगे, क्यों? तो बोलते अंदर हथियार हो सकता है, मतलब परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते, पपीते के अंदर हथियार कैसे जाएगा अंदर, तो बोलते नहीं मैडम वैसे हुआ था ऐसे हथियार आते अंदर तो भी, तो आप काट लो पपीते को देख लो, हाथ से गूदा करने की क्या जरूरत है ताकि आप खा नहीं पाओ। बाद में मुझे पता चला कि जो लोगों ने सामान दिया था वो हमारे तक पहुंचा ही नहीं, वो जेलर के घर में गया, मगर जब हम 15वें दिन कोर्ट में पेश हो गए फिर मैंने जेलर को बोला कि आप महिलाओं के लिए
आप सैनिटरी पैड, टॉवल या कुछ साफ कपड़ा, सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, आप कोई बढ़िया सा कपड़ा लाओ और ये सब करो, तो वो उसके भी इंतजाम नहीं करते। पैड्स बुलवा दिए उन्होंने 500 रुपए के, पैड्स कौन यूज करेगा? नोबडी हैज अंडर क्लोथ्स ओवर देयर, मतलब एवरीथिंग इज अ बिग फार्स ओवर देयर, एंड आई थिंक वी नीड टू रियली डू समथिंग अबाउट इट।